ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गांधी भवन से। आज का सब्जेक्ट है जो जुलाई 7th और 8th को सेक्रेटरीट के अंदर, जैसा आप जानते, दो मस्जिदा और एक मंदिर को डिमालिश कर दिए, दफ्तर मोहम्मदी और मस्जिद हाशमी और नल्ला पोचम्मा मंदिर। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी सैफाबाद पुलिस स्टेशन हम जाते, जाके कंप्लेंट लॉन्च करते, और कंप्लेंट में हम चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल, जीएडी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग चीफ, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, वक्फ बोर्ड, एंडोनमेंट्स, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड सीईओ के ऊपर हम केसेस रजिस्टर करो बोलते पुलिस को, और हम जाते कंप्लेंट देते, और कंप्लेंट के बाद पुलिस वापस हमारे को भेजाती कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में मैंडेटरी नहीं है एफआईआर देना, और ये जो केस है इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं दिख रहा। मस्जिद टूट गई, मंदिर टूट गई, उसके बाद में पुलिस वालों को नहीं दिख रहा इसमें कुछ भी केस। हमारा बोलना था, कांग्रेस का बोलना था, कोई ना कोई अकाउंटेबल होना, तो ये लोग केस ने रजिस्टर करके वापस भेजा दिए। तो कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल कोर्ट गई और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रही नेचर ऑफ ऑफेंस 153 ए 419 420 447 448 आईपीसी में इनको बुक करना, और हम नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट चले गए। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी एबिट्स पुलिस स्टेशन में गई और जाके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम और उनकी पूरी टीम को क्रिमिनल केस में बुक करो, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है अगर से इत्ता सर का झंडा भी डैमेज या खराब होता तो वक्फ बोर्ड को जाके केस बुक कराना है। एक खाना मस्जिद शहीद होती, आप जाके अंबरपेट में कंप्लेंट डालते वक्फ बोर्ड वाले, नारायणपेट में आशुर खाना शहीद होता, वहां पे जाके आप कंप्लेंट डालते, सेक्रेटरीट के अंदर मस्जिद शहीद होती है और आप कंप्लेंट नहीं डालते। तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसकी तकमील नहीं करें तो आपका और आपका बोर्ड नहीं रहना, और इमीडिएटली उसको केस बुक करो बोल के हम वहां पर रुजू हो गए अंडर सेक्शन 21 आईपीसी, 166 आईपीसी एंड 295 आईपीसी। तो वहां पे जब हम रुजू हुए तो सेम लेटर नोटिस देते, फिर ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट को बताते हुए नॉन कॉग्निजेबल है, नहीं बुक कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, भेजा देते। फिर इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी फिर क्रिमिनल कोर्ट अप्रोच होती और उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस डालो बोल के हम कोर्ट को अप्रोच हो गए। साथ साथ हम क्या करें, वक्फ बोर्ड चेयरमैन और उनकी पूरी टीम के ऊपर हाई कोर्ट में रिट डाले, क्योंकि इन्हों अपनी ड्यूटी सही नहीं करे बोल के। तो ये हो गया तीसरा, और चौथा जो है कांग्रेस पार्टी के तरफ से फिरोज खान और मेरे साथ हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन सोहेल साहब हाई कोर्ट में एक रिट डाले, और रिट नंबर है 15246 ऑफ 2020, एंड उसमें हम ये कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री मस्जिद बना देता हूँ, मंदिर बना देता हूँ, आप बोल रहे हैं
देखिए हमारी यह फाइट कहाँ पे है आपको बताते हम। आप ये बात बोले मुख्यमंत्री कि ऊपर से एक डरबीज गिरा, एक कोई पत्थर गिरा और मस्जिद और मंदिर को क्या हुआ, धक्का लगा, थोड़ा डैमेज लगा, मगर हकीकत क्या हुई? सेम उनका एडवोकेट जनरल कोर्ट में आके बोलता कि मस्जिद और मंदिर डमालिश हो गया। तो सीएम साहब ट्वीट करते, मैं मेरे पैसों से, गवर्नमेंट के पैसों से बनाता हूँ, हिंदुस्तान की शानदार मस्जिद बनाता हूँ, वेरी गुड, वी अप्रिशिएट, बट आपकी बात पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हर टाइम आप वादे करते और धोखा देते। आप कहाँ तो भी रिटर्न लिख के दिए, हम वाइज बनाता हूँ या उसका प्लान बताए, या आप अपोजिशन को लेकर जाके बताए, देखो भाई यहाँ पे मस्जिद थी मैं यहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मंदिर थी मैं यहीं बना रहा हूँ, या प्रेस को लेके गए, आप किस को भी नहीं लेके गए, मगर सिर्फ आप बकवा करते, चलिए नो प्रॉब्लम, फिर भी हम आप पे भरोसा करते। तो हम कोर्ट को गए और कोर्ट को जाके ये पूछ रहे हैं, नमाज पढ़ने का और पूजा करने का हमारे को आप परमिशन देंगे? हम 20 जने जाते, सोशल डिस्टेंसिंग रख के जाते, नमाज और पूजा, तो हम ये रिट फाइल करें और ये रिट गवर्नमेंट को काउंटर दे दिए। चीफ जस्टिस साहब राघवेंद्र चौहान साहब की बेंच पे आइए और उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दिए कि बताइए क्यों ना नमाज नहीं पढ़ना, क्यों ना पूजा नहीं करना, और ये 8 तारीख के दिन इसका केस है। तो ये 4 मसले में मैं आपके सामने ये सब्जेक्ट रखना था, उसके लिए मैं आप लोगों को गांधी भवन बुलाया। हम ये केस में वोज डाले आपको, जो मैं सेक्शन आप बोला, ये सेक्शन आए चीटिंग है, इसमें चीटिंग है, मटेरियल आप करें सो 419 420, चीटिंग करें आप। सो हमारे FIR के अंदर सोब है। सिर्फ एक बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट को केस बुक करना है तो कुछ भी केस बुक करती, फिरोज खान परसों कुछ भी नहीं करा, पुलिस वालों को धक्का मारे बोल के केस बुक कर, मगर यहाँ पे मस्जिद टूट जाती, मंदिर टूट जाती, पूरी दुनिया के सामने पर केस नहीं बुक होता। तो आपको क्या समझ में आ रहा, पुलिस वही काम करती जो गवर्नमेंट बोलती। तो पुलिस जो भी है, मुख्यमंत्री हाथ रखा तो है नहीं तो नहीं है, मगर कानून कोई चीज़ है और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है। हम जस्टिस के ऊपर भरोसा रखते और जब तक कोई ना कोई अकाउंटेबल रहना, मस्जिद टूटती कैसा, कोई ना कोई रहना, प्रोक्लेन वाला तो भी रहना, कॉन्ट्रैक्टर तो भी रहना, या जो कॉन्ट्रैक्ट दिया चीफ सेक्रेटरी रहना। सो ये कांग्रेस की लड़ाई है, हक और ईमान की लड़ाई है, और हमारे को पूरा विश्वास है एक दिन इंशाल्लाह हक मिलेगा और गुनहगार को हम जेल को भेजेंगे। देखिए फिल वक्त हम आपको क्लियर कट बोल दे रहे हैं, सीएम साहब की बात के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, कौन सी चीज़ सीएम साहब बोल के करें मुसलमानों के लिए या किसके लिए, ज़रा मेरे को बोलो। सीएम साहब बोल देते हवा में, मगर अगर से वाकई में सच्चाई रही थी, और जब ये मामला सेंटिमेंट का मामला है, ये मामला लोगों के दिलों को लगता सो मामला है, तो आप हमारे को क्यों नहीं लग गए, आप क्यों लेके जाके नहीं बता रहे, आप प्लान कहीं को नहीं भिजा रहे? भाई मैं ऐसा बना रहा हूँ सेक्रेटरीट, यहाँ मस्जिद थी, देखो आपका गेजिट है, आपका गेजिट में आपके पास 647 स्क्वायर यार्ड्स है, और ये 1982 में आपको गेजिट दे दिया, ये वक्त का लैंड है, एक टाइम वक्त का लैंड बोलते अल्लाह का लैंड बोलते अल्लाह का लैंड खत्म फॉर लाइफ हो गया, हम यह करते नहीं, नहीं दे रहे क्लैरिटी। लेकिन वो असेंबली में बोले ना साहब कि मैं संघीय बुनियाद रखूंगा। हाँ साहब बोले, मैं नहीं बोले बोल के नहीं, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत आई हम अप्रिशिएट कर रहे, आप बोले मगर उन करते या नहीं करते हम आपको डाउट। देखिए जब तक सीएम साहब आपको और हमार को वहाँ लेक जाके यहीं मस्जिद टूटी थी मैं यहीं वापस बनाऊंगा या यहीं शहीद हो गई थी मैं वहीं बना रहा हूँ बोल के जब तक अपने को लेक जाके जमीन पे नहीं बताते, मेरे को डाउट है बस। बराबर कोर्ट के ऊपर भरोसा, हिंदुस्तान के कानून के ऊपर भरोसा है बराबर। देखिए जो कानून चला रहे हैं वो सही नहीं है, पर हिंदुस्तान का कानून बहुत तगड़ा है, एक बात याद रखिए आप, जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ रहता उन्हें कलम सीधा नहीं चलाता, अगर से कलम सीधा चलाया तो खुदा की कसम ये जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की बुक है अपने पास हिंदुस्तान में, दुनिया में इतनी पावरफुल बुक कोई भी नहीं है, मगर जो चलाने वाले वो सही नहीं चला रहे। अगर से आपके और मेरे वैसे लोग आएंगे ना चलाने को,
हर किसी को सजा दे देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।